जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। आज के इस वीडियो में आपको हेट स्पीच के बारे में सभी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं, जो कि हेट स्पीच को लेकर के है। चलिए अब मैं बताती हूं कि दोनों ही याचिकाओं में क्या बातें कही गई है। पहली याचिका में कही गई है कि ऐसे मामले जो कि नफरत भरे या फिर हेट स्पीच से रिलेटेड है, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी याचिका दायर की गई है कि हेट स्पीच के संबंध में कोई विशेष प्रावधान बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हेट स्पीच या अफवाह फैला रहे हैं, उनसे निपटने के लिए हमारी भारतीय दंड संहिता या IPC के प्रावधान पर्याप्त नहीं है। अब सवाल होना चाहिए कि आखिर हेट स्पीच, द्वेषपूर्ण भाषण या नफरत भरे भाषण क्या होते हैं। वैसे आप सभी को नफरत भरे भाषण या फिर हेट स्पीच का मतलब समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसे एक पंक्तियों में बताना मुश्किल होता है। तो चलिए इस वीडियो में आप इन सारी चीजों को जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि शुद्ध हिंदी में द्वेषपूर्ण भाषण का मतलब होता है धार्मिक विश्वासों, यौन अभिविन्यास, लिंग आदि के आधार पर हाशिए पर स्थित व्यक्तियों के विशेष समूह के खिलाफ नफरत के लिए उकसाना है। लेकिन यह लैंग्वेज हर किसी को समझ में नहीं आती है। चलिए अब इसे आसान भाषा में आप सभी को समझाती हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब कभी कोई त्योहार आता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, आप सभी को पता होगा कि हिंदुओं का त्योहार अलग होता है, मुस्लिम का त्योहार अलग होता है। तो कभी कभी उनमें से कुछ हिंदू या कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के धर्म को टारगेट करके उनमें कई सारी कमियां निकालते हैं, फिर वही कमियां लोगों तक पहुंचाते हैं। जबकि रियलिटी ये होता है कि उसमें वो कमी है या नहीं ये नहीं पता है, पर जबरदस्ती का लोगों को दिखाया जाता है कि ये कमी है। और यही वजह होते हैं कि दो धर्म आपस में लड़ रहे होते हैं, भले ही वो वजह सही हो या नहीं हो, ये नफरत की वजह बनती है और इसे ही कहा जाता है हेट स्पीच। अब आपको जानने की जरूरत है कि आखिर विधि आयोग के रिपोर्ट में इसके बारे में क्या कहा गया है। विधि आयोग के 267वीं रिपोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के बयानों में व्यक्तियों और समाज को आतंकवाद, नरसंहार और जातीय हिंसा करने के लिए भड़काने की क्षमता होती है। अब इसके बाद यह भी जानने की आवश्यकता है कि आखिर हेट स्पीच पर लगाम लगाने की आवश्यकता क्यों है। हेट स्पीच के कारण हमारी आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में आ जाती है, जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि 2013 में घटित हुई थी। मुजफ्फरनगर में एक झूठे वीडियो के कारण सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, और आप सभी को पता होना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा के लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हेट स्पीच के कारण कई अलग अलग उग्रवादी भावनाएं भी भड़क जाती हैं। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, और झूठी खबरें बढ़ने के कारण कई लोगों तक अलग अलग और भ्रामक जानकारियां फैलती हैं।